हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका चौधरी है और मैं एक क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनल परिहार गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इस सेशन में आप देखने वाले हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड मार्क्स, हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, हेयर थिनिंग, बालों की थिनिंग। आप लोग जो सोचते हैं ना कि पार्लर में जाके मैं अपनी स्किन को ग्लो करा लूंगी, वो ऊपर से मेकअप लगा के एक दिन का ग्लो देते हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद पेशेंट आती है, उसको मार्क्स आ गए, उसके नहीं जा रहे हैं एक साल बाद भी, और उसके पेट में भी स्ट्रेच मार्क्स है, तो उसके लिए क्या करें? ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है आप लोगों की, जो आप लोग लगा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। ये सारा हमने डिस्कस करा है कि इन सब चीजों से कैसे आपको निजात मिलेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका चौधरी है और मैं एक क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनल परिहार गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, 5 साल से यूट्यूब चला रही हूँ। इस बार मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आ रही हूँ, गायनी नहीं, इस बार हम स्किन एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इस सेशन में आप देखने वाले हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड मार्क्स और हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, हेयर थिनिंग, बालों की थिनिंग एंड प्रेगनेंसी मार्क्स जो आ रहे हैं, आपके स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, पोस्टपार्टम बॉडी वेट गेन हो रहा है, उन चीज़ों से रिलेटेड आपके इश्यूज आज हम रिजॉल्व करेंगे। हाय एवरीवन, मैं इतने सारे वीडियोस बना चुकी हूँ स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड। आप लोगों के इतने क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम मेरे को पिगमेंटेशन हो गया है, या फिर मेरे ब्लेमिशेज आ गए हैं, या मेरे बाल टूट रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो जाती है, आपके चेहरे पे दाग आते हैं, आपके पीसीओडी के पेशेंट्स को इतने सारे एक्ने, इतने मुहासे आते हैं जिसके दाग नहीं जाते। मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया आपको क्या करना चाहिए, हेल्दी डाइट, स्लीपिंग हैबिट्स, आपको कौन सी क्रीम्स लगानी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तरह तरह के सीरम्स, तरह तरह की क्रीम्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मेरे साथ डॉक्टर प्रियंका चौधरी हैं, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अभी लेटली मैं कह सकती हूँ कुछ सालों में ये साइंस बहुत डेवलप हो गई है कि आपको अपनी स्किन के लिए सिर्फ पार्लर जाके मसाज नहीं कराना है, या फिर आपको सिर्फ स्किन में क्रीम्स नहीं लगानी है, आपको थोड़ा सा डीप जाना है, आपको स्किन की जो लेयर्स है उसके अंदर जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है। स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बर्थ मार्क्स है, मेलाज्मा है, ऐसा कुछ है, और जो डिलीवरी के बाद जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, स्पेशली स्ट्रेच मार्क्स और उसका भी ट्रीटमेंट आ गया। अभी तक मैं आपको बोलती आई यूट्यूब पर कि स्ट्रेच मार्क्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप कोशिश करें कि ना बने, क्योंकि अल्टीमेटली के बाद व्हाइट व्हाइट दिखते हैं क्योंकि स्किन फट जाती है, लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट कॉस्मेटोलॉजी से पॉसिबल है। तो आज आप ही लोगों के क्वेश्चंस मैं मैडम से पूछने वाली हूँ, डॉक्टर प्रियंका से, और इसके जवाब आप सुनिए। ऑलराइट, सो डॉक्टर प्रियंका, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका चौधरी है, मैं एक क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग इन माय ओन क्लिनिक स्किन एंड सोल एस्थेटिक्स, जो मैम के हॉस्पिटल के बिल्कुल नियर बाय है, एंड मैम ने आज मुझे इनवाइट किया है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, और मैं बता दूँ डॉक्टर प्रियंका से मैं भी अपना स्किन का ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत करवाती रहती हूँ, तो आपको जो मेरी स्किन का ग्लो दिखता है इस एज में, तो वो इनकी वजह से है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे पास काफ़ी अनमैरिड लड़कियां आती हैं जिनकी शादी होने वाली है, तो मेरे पास तो आती है मेरा पीरियड आगे कर दो क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, मेरे फंक्शंस हैं, तो एज अ गायनिक तो मैं वो कर देती हूँ। बट मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है वो तरह तरह के ट्रीटमेंट्स शुरू कर देते हैं ब्यूटी पार्लर जाके, अपने सारे वो 3-4 दिन एंगेजमेंट और ये सब करके कि मेरे को ये फेशियल ट्रीटमेंट, ये फेशियल ट्रीटमेंट। अल्टीमेटली बहुत से लोगों की स्किन खराब भी होती है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इन लड़कियों को, जो कि ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बिग डे है उनकी शादी, तो उस दिन उनको क्या करना चाहिए, पहले से क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? मैम, एक तो जो भी आपका जैसे ही शादी अगर बहुत नियर बाय है, तो उस दौरान में आप कोई भी नया ट्रीटमेंट ट्राई ना करें, और अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो बेसिक कोई अननोन या कोई भी लोकल पार्लर्स वगैरह में ना जाएं, बजाय कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें जो भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं आपको, और उनको आप अगर शादी से पहले तक चीजें रिजोल्व करना चाहते हैं, स्किन इश्यूज हैं, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम चाहिए स्टार्ट करने के लिए ट्रीटमेंट बिफोर योर मैरिज, तो और मिनिमम इज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तो रिक्वायर्ड है। स्किन टाइप आपको समझ में आ जाएगी, स्किन टाइप या अनवांटेड फेशियल हेयर्स हो गए, बॉडी हेयर हो गए, एक्ने के दाग हैं, उनको जाने में टाइम लगता है, तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में भी टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, एंड वी हैव टू गिव लाइक 15 days to 1 month बिफोर नेक्स्ट प्रोसीजर, 2 महीने पहले। अच्छा, ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर में भी 1 महीना, तो एटलीस्ट 5 to 6 सेशंस यू हैव टू गो थ्रू दीज ट्रीटमेंट्स, तभी आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे, आपके अंदर से ग्लो आएगा स्किन में, एंड बजाय कि आप जस्ट 15 दिन पहले एक डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि मुझे दीपिका पादुकोण जैसा लगना है, उसकी बजाय आप एटलीस्ट 3 मंथ्स लेके जाएं बिफोर मैरिज, एंड आई होप आपको अच्छा रिजल्ट उसमें देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो सोचते हैं ना कि पार्लर में जाके मैं अपनी स्किन को ग्लो करा लूंगी, वो ऊपर से मेकअप लगा के एक दिन का ग्लो देते हैं, लेकिन आपकी स्किन को समझने के लिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट को 6 महीने लगते हैं, आपके ऊपर ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसमें टाइम लगता है, उसके बाद वो अपने आप अंदर से इनर ग्लो आता है, डीप स्किन के अंदर से ग्लो आता है, विदाउट मेकअप भी ग्लो आएगा। राइट, सेकेंड क्वेश्चन,
अब शादी के बाद डेफिनेटली ग्लो चलता ही रहता है, वो तो लेडी अपना केयर करती है. प्रेगनेंसी के बाद सारी प्रॉब्लम्स आती है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ईस्ट्रोजन हार्मोन इतना हाई होता है तो ऑलरेडी ग्लो रहता है. डिलीवरी के बाद सारे हार्मोन्स नीचे जाते हैं, स्किन होती है ड्राई, बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, ये सारे मार्क्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट लटक जाती है, पेट लटक जाता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, लेडी बिल्कुल आउट ऑफ शेप. बहुत रेयरली कोई होंगी, अगर मैं बताऊं तो मलाइका अरोड़ा, शी इज ब्लेस्ड. पता नहीं उन्होंने क्या किया अपने साथ. शिल्पा शेल्टी, ये दो तीन है जिनका हम एग्जांपल दे सकते हैं कि देख के लगते हैं इनको बच्चे हुए. मैम आप बने उसका एग्जांपल है. बट मेरे भी और सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बताया ना, स्किन लटकती है और स्ट्रेच मार्क्स आते हैं. तो मैं हमेशा यूट्यूब पर बोलती हूँ स्ट्रेच मार्क्स का कोई इलाज नहीं है. अब आप मेरे को एक एक करके बताओ. सबसे पहले तो पिगमेंटेशन बताओ फेस का. मैम एक्चुअली आजकल जो है एक टर्म बहुत ट्रेंड कर रही है इंटरनेट पे, मॉमी मेकओवर करके. इट्स अ सेलिब्रिटी मॉमी मेकओवर. अपन देखते हैं सेलिब्रिटीज को कैसे वो एकदम से शेप में आ जाते हैं विद इन 2-3 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी. लेकिन ठीक है उतना जल्दी नहीं, लेकिन हाँ मॉमी मेकओवर इज अ एक पूरी तरह से ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी मेकओवर हम लोग करते हैं. उसमें सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल बोथ दो प्रोसीजर्स इंक्लूडेड होते हैं. अच्छा. तो उसमें अगर अपन पिगमेंटेशन कंसर्न्स लेते हैं तो एक तो सबसे मेजर चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ये लोग को कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स नहीं कराने चाहिए. इट्स अ नो नो. प्लीज नोट इट डाउन. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जब आप दूध पिला रही है, मतलब कि पोस्टपार्टम जब तक वो दूध पिला रही है साल भर तक कुछ नहीं करना है. साल भर अगर या 6 मंथ जितना भी उनका ब्रेस्ट फीडिंग टाइम रहता है, ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप सिर्फ मेडिफेशियल्स करवाते हो या ब्राइटनिंग फेशियल्स कराते हो, दोज आर गुड, बट डोंट गो फॉर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स. अच्छा. या इंजेक्टेबल्स अगर, मतलब केमिकल पील्स करा सकते हैं? पील्स भी मैम नहीं करा सकते, जस्ट ब्राइटनिंग मेडिफेशियल्स जो आपकी स्किन को ग्लो देता है, थोड़ा बहुत आपका पिगमेंटेशन लाइटन अप हो जाएगा. लेकिन इट्स अ नो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. क्योंकि केमिकल्स अंदर जाके कुछ, यस, मतलब समवेयर इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. क्योंकि इन सब चीजों पे एक्चुअली स्टडीज नहीं हुई है. हम भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इसलिए मना करते हैं प्रेगनेंसी में क्योंकि इस पे स्टडी नहीं हुई है. तो इसीलिए मैडम भी कह रही है कि जो भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी एसिडिक ट्रीटमेंट्स हैं या पीलिंग है, कुछ लेजर्स नहीं करने, लेजर्स नहीं करने. ठीक है. तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद पेशेंट आती है, उसको मार्क्स आ गए, उसके नहीं जा रहे हैं 1 साल बाद भी, और उसके पेट पे भी स्ट्रेच मार्क्स है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट? तो उसके लिए मैम तो आपको वो देखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अपनी स्किन का हाइड्रेशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं, या उनके अगर पिगमेंटेशन आ रहे हैं तो उनके जो इंटरनल इश्यूज हैं बॉडी में, हार्मोनल रेगुलेशंस तो आप मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट फूड सप्लीमेंट्स वगैरह हो गए या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है वो आप एड ऑन कर सकते हैं. एंड आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग अगर वो हमारे पास आते हैं तो वो उस स्टेज पर आए जहाँ स्ट्रेच मार्क्स रिकवर हो सके. स्ट्रेच मार्क्स जब तक पर्पल एंड रेड कलर के हैं दे आर रिकवरेबल, या न्यू स्ट्रेच मार्क्स. अगर वो 2-3 साल बाद आ रहे हैं तो फिर वो उनका रिजल्ट्स जो है वो अराउंड 50% जैसा आएगा. तो मेरे ख्याल से पर्पल एंड रेड तो ये 2-3 महीने बाद खत्म ही जाते हैं, व्हाइट ही हो जाते हैं. मैम व्हाइट होने में उनको कम से कम 7-8 महीने लगते हैं, 6 महीने के बाद. तो तब तक अगर वो अपना रेगुलर जो हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन करे, अच्छी क्रीम्स यूज करे स्ट्रेच मार्क्स की, तो कुछ तो उससे डिफरेंस आएगा. देन वी कैन गो फॉर CO2 लेजर्स हो गए, और आपका माइक्रोनीडलिंग प्रोसीजर्स हो गए, माइक्रोनीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गए, डीपर पील्स हो गई हैं. तो उससे हम लोग एटलीस्ट 50-70% जैसा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट से 100% की 100% रिजल्ट आएगा. बट जितना आप मेंटेनेंस पे रहेंगे उतना आप अपनी स्किन का जो ध्यान रख सकते हैं, बेटर रिजल्ट. हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, बाकी ट्रीटमेंट्स मैडम बता ही रहे. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंचे, उस समय ब्रेस्ट फीड ना कर रहे हो. सेकंड जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि मेरे ब्रेस्ट लटक गए हैं और विजाइना लूज हो गया है. तो विजाइनल टाइटनिंग के लिए मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं पहले. विजाइनल टैबलेट्स आती हैं, क्रीम्स आती हैं, जेल्स आती हैं, बट मुझे पता है इनका परमानेंट रिजल्ट कुछ नहीं होता है, ये परमानेंटली ठीक नहीं करेंगी. तो ब्रेस्ट के लिए पहली बात तो क्या है, कितनी भी क्रीम्स आ जाए मसाज कर ले, ब्रेस्ट को आप लिफ्ट कैसे करते हैं और विजाइना के लिए क्या करते हैं? मैम ब्रेस्ट के लिए जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो लूज हो जाता है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग. तो उसके लिए आजकल जो है वैम्पायर ब्रेस्ट लिफ्ट करके चल रही है, जिसमें PRP वगैरह करते हैं ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट टिश्यू. PRP के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा बता दीजिए. PRP हम खुद का ब्लड लेके एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं और उसी को हम लोग अंडर द स्किन इंजेक्ट करते हैं. तो उससे जो है आपके जो हेल्दी स्किन जो है वापस से स्किन सेल्स ग्रो कर जाते हैं. तो वो एक है जो आपका स्किन टाइटनिंग देगा. बट अगर आपको अच्छा सा लिफ्ट चाहिए वापस से, बहुत ज्यादा सैगिंग हो गई है, तो उसके लिए थ्रेड्स यूज होते हैं आजकल. थ्रेड्स इज सम
समथिंग विच इज समथिंग न्यू. थ्रेड्स फेस पे भी यूज होती है, फेस को लिफ्ट करने के लिए बहुत सेलिब्रिटीज कराते हैं, और ब्रेस्ट के लिए होता ही मुझे आज पता चला. थ्रेड फेस का तो पता था कि ब्रेस्ट पे भी थ्रेड्स डाल के उसको ऊपर पुल कर लेते, तो एक तरह से एक ब्रेडेड थ्रेड आता है उसको आप पुल कर देते. इट्स अ नॉन सर्जिकल, कोई सर्जरी नहीं, कोई कट वट नहीं लगता, एंड इट गिव्स गुड रिजल्ट्स. और वजाइना के वजाइनल टाइटनिंग के लिए भी लेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं अभी, और बाकी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं ही, लेकिन अगर नॉन सर्जिकल में जाते हैं तो वजाइनल टाइटनिंग के लिए लेजर्स न्यू ट्रीटमेंट है, जो कि आपकी वजाइनल टाइटनिंग अच्छी खासी 3 सेशंस में आपको मिलेगी. राइट, तो वजाइना की टाइटनिंग के लिए अगर आप लोगों को करवाना है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, बिकॉज पहली बात तो कॉस्टली ट्रीटमेंट है, 2-3 सिटिंग लगती है, लेजर से होता है, लेजर टाइटनिंग रहती है, और इसकी मशीन सबके पास नहीं होती, तो आप लोगों को करवाना है तो बिल्कुल मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा. ठीक है.